लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 ने मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा महानगर के 70 वार्डों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सोमवार को तुर्कमानपुर स्थित रावट पाठशाला में मतदान जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व SDM सदर प्रथमेश कुमार, तहसीलदार सदर संजीव दीक्षित, राजस्व निरीक्षक प्रदुमन सिंह, लेखपाल बाबूराम, विनय कुमार श्रीवास्तव, अजय साहनी सहित अन्य BLO व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर में SDM सदर और तहसीलदार सदर ने उपस्थित लोगों को VVPAT और EVM से मतदान करने की जानकारी दी तथा लोगों के अंदर EVM के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर किया तथा लोगों को लोकतंत्र के मजबूती के लिए मतदान करने की अपील की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SDM सदर व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रथमेश कुमार ने कहा, बीप की आवाज आती है तो पूरा परिसर बोलना शुरू कर देता है। बोलता है कि नहीं बोलता है? हम लोग सब लोग तो डाले ही होंगे, मशीन आवाज करती है। जैसे ही हम अपना मतदान देते हैं, अब ये ग्रीन, जैसे ही यहाँ से ये सिग्नल देता है तुरंत ये ग्रीन कलर की हो जाती है। कलर का हो गया तो हम अपने प्रत्याशी को घर से सोच के जाते हैं कि हम इन्हीं को वोट देंगे, इनका ये चिन्ह, चुनाव चिन्ह यही है। हम उसी चुनाव चिन्ह को मेंटली प्रिपेयर होकर के जाते हैं, जाते ही सबसे पहले वही हमको दिखता है। मान लो कि हमको ये दिखा अल्फा, ठीक, इसका चुनाव चिन्ह है अल्फा, मैंने अल्फा को दबाया। जैसे ही अल्फा को दबाऊंगा 7 सेकेंड के अंदर यहाँ पे पर्ची कट के गिरेगी, अल्फा लिखा हुआ है, यानी यह प्रमाणित करता है कि मैंने जिसको अपना मतदान किया मेरा मतदान उसी को गया। इसलिए आपसे निवेदन है कि निर्भीक होकर के निष्पक्ष भाव से अपने 100% का मतदान का प्रयोग करें। आप में से कोई भी आ सकता है? अभी सबको हम बुलाएंगे। हो गया, हाथ हटाइए, यहाँ पे पर्ची देखिए। नहीं, ये तो विधानसभा में पिछली बार था। और ये भी देख लीजिए, ये लाल बत्ती भी जल रही है। ये लाल बत्ती जहाँ दबाया वही जली कि दूसरी वाली जली? यहाँ पे उसी को मिला, किसी और को? उसी को। अब कोई बटन दबाइए, दे रहा कहीं कोई और? एक बार आपका ये रिलीज होने के बाद से कोने पे जा रहा है, लिखा लावा था वैसे ही वह लिखा लाई ले ऐसा तो नहीं हाई वाला लिखा ला गई कौन वाला दबाइला यह वाला दबाइला तो यह पर्ची आई ना बाबा? अब एकदम कन्फर्म बा? एकदम एक बार उधर बा कन्फर्म होए खातिर? अरे आइए आप, आइए। वो बनाए कि नहीं वोटर कार्ड बनाए? नाम है ना आपका पर्ची में कि नहीं? हाँ नाम है सूची में, नाम हाँ वोट डालते हैं, वोट डालना डालते हैं। डेट बताइए आपने, लेकिन मेरी कहीं और जाती है वो ले आए पर्ची भी मॉक पोल हुए होंगे शपथ वाला। आपने ध्यान दिया होगा कि वो किसी को डाउट हो इस बारे में तो अभी भी क्लियर कर लें, कोई भी एक आप आपने ये देखा है यहाँ पे देखिए लेकिन दोबारा आप इसको एक बार चेक करिए, ये लाल बत्ती जलती रहे अगले 7 सेकंड में जलेगी और यहाँ आप नहीं डाल पाएंगे इसको बोझ पता है एक बार उसके संबंधित दल का नाम पहचानने के बाद बिल्कुल कंफर्म होके कि यही मेरा कैंडिडेट है आप उसको वोटिंग दें। और एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है नोटा, यदि आप किसी को भी पसंद नहीं करते हैं तो आप नोटा का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने किसी को नहीं दिया, वो भी आपका सिंबल ऑफ चॉइस है कि मैं उपरोक्त में से किसी को नहीं पसंद करता या करती, तो वो भी एक मैसेज है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज एंड उनके लिए कि हमको अपने में बदलाव लाना है। और आपको डेट पता है 19 मई, तो 100% उस दिन जरूर जाइए वोट करिए। आप ये बात भली भांति जानते हैं कि अधिक लोगों की पसंद यदि कोई है तो वो अच्छा होगा। आप अपने ग्राम समाज में अपने सोसाइटी में जिनको ज़्यादा लोग अच्छा बोलते हैं आप मानते हैं ना कि वो अच्छा है, तो वैसे ही हमारे जो
प्रतिनिधि चुने जाएं वो अधिक से अधिक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आप नहीं जाते हैं वोट करने, 20% की वोटिंग हुई तो उसमें से जो 5% पाएगा वही हो सकता है इलेक्शन, लेकिन जब आप 80% वोटिंग करेंगे, आप 90% वोटिंग करेंगे तो उसमें जो विजेता होगा वो 40-45% लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। तो आप जो यहाँ बैठ के बात करते हैं, हम लोग कमरे में बैठ के टीवी देख के बात करते हैं कि ये ठीक नहीं है, अगला ठीक नहीं, तो आप अपनी चॉइस वहाँ दीजिए जाके कि मुझे कैसा व्यक्ति पसंद है, मुझे कैसा कार्यक्रम पसंद है, तो आप लोग भागीदारी अवश्य करें। बार बार ये कार्यक्रम सारे जो आयोजित हो रहे हैं सर के निर्देश पर, माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर, वो इसीलिए किए जा रहे हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में उस दिन, और 5 वर्ष में आपके यहाँ शादी ब्याह भी हर वर्ष हो जाता होगा, आपका होली दिवाली हर वर्ष हो जाता है, लेकिन चयन का जो आपका अधिकार है, जिसके लिए आप 200 साल संघर्ष किए अंग्रेजों से कि हम स्वतंत्र हों, और स्वतंत्र हो के क्या करें, हम अपने हिसाब से अपनी गवर्नमेंट चुने, यही था ना उद्देश्य, तो वो जब अवसर आपको प्राप्त हुआ तो अब आप पता चला घर में बैठे रह गए, चाय पी के बातें करते रह गए, लेकिन आप उस दिन वोटिंग में नहीं गए। तो देश के लिए, अपने सामाजिक विकास के लिए, अपने लोकतांत्रिक विकास के लिए आप उस प्रक्रिया में भागीदारी अपनी करें, और अधिक से अधिक संख्या में अपने लोगों को बोलिए। अभी आप जब यहाँ से जाएंगे, इस चिंताओं को जो अन्य लोगों की हो सकती है, आप उनको बोलिए कि वो वोट करें, और ऐसा कोई शंका नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इसके बाद भी एक ऑप्शन निर्वाचन आयोग आपको देते हैं कि यदि आपको लगता है फिर भी कि नहीं, मैंने 4 नंबर को वोट किया था और 5 पे छपा और आप कन्फर्म हैं, तो आप वोट को चैलेंज कर सकते हैं वहाँ पर, ये भी ऑप्शन आपको है। तो ये बहुत ही पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट है प्रक्रिया, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, इसकी कहीं से कोई ई लिंकिंग नहीं है जिससे हैकिंग या अन्य चीज़ों की शिकायतें की जाती हैं या ये भ्रांतियाँ उठाई जाती हैं। आप निष्पक्ष हो के, भयमुक्त हो के, बिना किसी राग द्वेष के परे आप जाइए, अपने मत का जो बहुत महत्वपूर्ण है लोकतंत्र की रक्षा के लिए, यदि आप नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही लोग चुनते जाते रहेंगे जिनको बहुत कम समर्थन हासिल है बहुत। और अभी सर हमारा अधिकार है, ये देश का त्यौहार है, देश का महात्यौहार है, 19 मई को मेरा ये आग्रह है कि आप सभी आएँ और मतदान करें। यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। हम स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे हम लोगों ने मोहल्ला सभाओं का कार्यक्रम नगर निगम के सभी 70 वार्डों में करा रहे हैं। सभी 70 वार्ड में हमारा ये प्रयास रहेगा कि कम से कम 5 मोहल्ला सभा का आयोजन किया जाए। हर मोहल्ला सभा में टारगेट किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को EVM और VVPAT के बारे में जानकारी दी जाए, जो निकटतम बूथ है उसके बारे में बताया जाए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो उसका नाम जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। जो लोगों की शंकाएँ हैं मतदान के बारे में या VVPAT और EVM को लेकर, उनको दूर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई ऐसा वोटर है जो कि मतदान करने को इच्छुक नहीं है तो उसको हम अपने पूरे प्रयास से और प्रचार प्रसार के माध्यम से उसको कोशिश करेंगे, उसको प्रेरणा देंगे कि वो 19 मई को आए और मतदान करें। VVPAT के बारे में जो बताया जा रहा है तो क्या इसका क्या उद्देश्य है? VVPAT देखिए एक ऐसी मशीन है जिसमें जो आप मतदान करते हैं, जिस कैंडिडेट को करते हैं, जिस पार्टी को करते हैं, वही चीज़ एक पर्ची में आती है और VVPAT मशीन में प्रदर्शित होती है 7 सेकंड के लिए। ये मशीन बेल द्वारा बनाई गई है और बिल्कुल फुल प्रूफ है। हमने जितने भी टेस्टिंग की है यहाँ पे, उसमें एक भी बार इस मशीन में कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आई। भ्रांतियाँ जो मतदाताओं में उसको दूर करने का प्रयास किया। जी 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 इसी के बाद